कि अब लेटेस्ट अपडेट क्या है और किन किन एरिया में ज्यादा असर दिख रहा है। आज 8:30 बजे साइक्लोन परजय एक साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर केंद्रीभूत है। भूज के आसपास 30 किलोमीटर दूरी पे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे ये ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड गति कर रहा है और ये आज शाम के आसपास फर्दर वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो सकता है। इसके प्रभाव में अभी विंड स्पीड लगभग 75-85 केएमपीएच गस्टिंग टू 95 केएमपीएच चल रहा है और धीरे धीरे विंड स्पीड कम होगा और शाम को इसका विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेशन में 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात और एडजनिंग एरियाज ऑफ साउथ राजस्थान, इसकी वजह से बारिश चल रहा है। अभी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आज हो सकता है सौराष्ट्र कच्छ एरिया में और जो साउथ राजस्थान एरिया है वहां भी बारिश शुरू हो गया है, वहां बारिश हो सकता है हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में। सर किसी किन किन एरिया के लिए इस बार अलर्ट आप लोगों ने दिया, वार्निंग दिया हुआ? जैसे हमने अभी आपको दोबारा बता रहा हूं, सौराष्ट्र कच्छ, नॉर्थ गुजरात, साउथ राजस्थान। एक चीज और सर है कि बार बार ये बात उठती है कि जब साइक्लोन आता है तो मॉनसून पर असर पड़ जाता है, कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है? मॉनसून एक ग्लोबल सर्कुलेशन है, पूरा ग्लोब में मॉनसून चलता है और इसमें साइक्लोन एक रीजनल फेनोमेना है। अरेबियन सी में साइक्लोन डेवलप हुआ है, इसका साइज 100 से 1000 किलोमीटर तक होता है, इसलिए इसका इम्पैक्ट होता है जरूर मगर टेम्पररी होता है, कोई लार्ज स्केल इम्पैक्ट इसका नहीं होता है मानसून के ऊपर। रेदर मैं ये बोलूंगा जब ये जेनेसिस हुआ साइक्लोन का इट हेल्प्ड मानसून, मानसून एडवांस के लिए साउथ पेनिनसुला में हेल्पफुल रहा। 6 तारीख को डिप्रेशन बना, 8 तारीख को मानसून शायद माने केरल में पहुंचा, इसके बाद 10 तारीख तक भी साउथ पेनिनसुला इंडिया में कुछ हिस्सा तक पहुंचा और साइक्लोन होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मानसून आगे बढ़ा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जो भी है ये अभी डिसिपेशन हो जाएगा 17 तारीख तक, सो फिर 18 तारीख में ऐसे कोई साइक्लोन नहीं है कि कोई ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि मानसून को प्रभावित करेगा। इसके बाद मानसून कंडीशंस इम्प्रूव होगा और साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में कुछ हिस्सा में मानसून 21 तारीख तक एडवांस करेगा। 21 तारीख से रीएक्टिवेट हो जाएगा फिर से। एक चीज और सर, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो क्या यहां पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है कुछ ये जो साइक्लोन है उसका? साइक्लोन का जो ट्रैक है पास है वो जा रहे हैं टुवर्ड्स वेस्ट एमपी साउथ राजस्थान होते हुए, इसलिए इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर नहीं है। एक सर आखिरी सवाल है, अगर मौसम विभाग की अपनी जो स्टडी है उसके हिसाब से ये चक्रवात जितने भी अभी तक साइक्लोन आए हैं उसमें ये किस लेवल का साइक्लोन था, कहां तक ये नुकसान पहुंचा? ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था जिसका विंड स्पीड था 115-125 केएमपीएच, गस्टिंग 240 केएमपीएच। आप गुजरात में जो पहले साइक्लोन गया है इसको कंपेयर करेंगे, 2020 में जो साइक्लोन ताऊते आया था इसका विंड स्पीड 180 किलोमीटर था, सो इसके हिसाब से लगभग 40-50 किलोमीटर विंड स्पीड इसमें कम रहा है। सिमिलर साइक्लोन कांडला में आया था 1998 में, उसमें भी विंड स्पीड लगभग 180 किलोमीटर था। ये दोनों साइक्लोन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन थे और ये जो साइक्लोन तट को हिट किया ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन था। थैंक यू।